जेडीज किचन में आपका स्वागत है। मेरा वीडियो देखने के लिए, मेरी रेसिपी को लाइक और दोस्तों में शेयर करने के लिए, कमेंट्स और सजेशंस के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका शुक्रिया। आज हम बनाएंगे मुंबई माटुंगा का मशहूर स्ट्रीट फूड सेवपुरी सैंडविच, सेवपुरी मसाला टोस्ट सैंडविच। दोस्तों, ये 2-in-1 स्टेक्स में सेवपुरी और सैंडविच दोनों का मजा लीजिए। चटपटा चाट सेवपुरी सैंडविच। दोस्तों, ये इसमें लगने वाली सामग्री है ये स्पाइसी ग्रीन चटनी, ये खजूर इमली की खट्टी मीठी चटनी। ये चटनी स्पेशल है और ये काश्मीरी रेड चिली और गार्लिक से बनी लहसुन की चटनी जो ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। बारीक कटा हुआ प्याज, लाल टमाटर बारीक कटे हुए, ये आलू जिसको हमने स्टीम कुक करके काट लिया है और ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया। आइए सेवपुरी सैंडविच बनाने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इन ब्रेड स्लाइस पर बटर लगाएंगे, अच्छी तरह से बटर को स्प्रेड करेंगे। दोस्तों, बटर अगर फ्रिज में हो तो उसे निकाल कर बाहर रख दें ताकि लगाने में आसानी हो। देखिए, हमने बटर लगा लिया है, अब लगाएंगे चटनी। दोस्तों, इस चटनी में हरी मिर्च, हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा अदरक और समुद्री नमक, बस और कुछ नहीं है। ये चटनी थोड़ी सी स्पाइसी है, हमने चटनी भी लगा दी। दोस्तों, ये सेव पूरी की पूरी है जो आपको बाज़ार में आसानी से मिल जाएगी। एक स्लाइस पर चार चार पूरी लगाएंगे, चार चार पूरी रखेंगे। क्रिस्पी और क्रंची पूरी भी लगा दी। अब इस पूरी पे डालेंगे ये उबले हुए आलू के छोटे छोटे टुकड़े, आप आलू की स्लाइस काटकर भी रख सकते हो। लीजिए, आलू को भी डाल दिया। आलू के ऊपर डालेंगे ये बारीक कटा हुआ प्याज, ओनियन की स्लाइस, ओनियन की जुलियन या ओनियन को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। अब डालेंगे चाट मसाला। दोस्तों, ये चाट मसाला हमारा स्पेशल है, आप हमारे चाट मसाले की रेसिपी ज़रूर देखें। सैंडविच सेवपुरी भेलपुरी का ऑथेंटिक चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे। अब डालेंगे बारीक कटे हुए लाल टमाटर, वाह बहुत अच्छे, लुकिंग ग्रेट। अब डालेंगे हरी चटनी अपने टेस्ट के हिसाब से और डालेंगे गार्लिक चटनी, लहसुन की लाल चटनी, ये खजूर इमली की कटी मीठी चटनी। हमारी इस चटनी का वीडियो ज़रूर देखें। हमारी ये चटनी यूनिक है, अलग है, हमने तीनों चटनी डाल दी। अब डालेंगे बेसन की ये नायलॉन सेव, और उसके ऊपर ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया। कलर कॉम्बिनेशन देखिए दोस्तों, मुंह में पानी आ गया ना। और आखिर में डालेंगे नींबू का रस। लीजिए, नींबू का रस डालने के बाद में स्लाइस से कवर कर लेंगे और टोस्टर में टोस्ट करेंगे। हमारी सेवपुरी सैंडविच टोस्ट होने के लिए, ग्रिल होने के लिए तैयार है। पैन को गर्म करेंगे और डालेंगे पीनट ऑयल या बटर और ब्रश कर लेंगे, इवनली कोट कर लेंगे। सैंडविच रखेंगे और मक्खन लगा लेंगे। हमने दोनों साइड पर बटर लगा दिया है, हल्के हाथों से प्रेस करेंगे ताकि ग्रिल का निशान अच्छी तरह से बन जाए। अब पलट लेंगे, देखिए दोस्तों ब्राउन और क्रिस्प हो गया है। दोनों तरफ से सेक लेंगे, टोस्ट कर लेंगे। हमारी सेवपुरी ग्रिल सैंडविच तैयार है, साइड में रख देंगे। अब दूसरी सैंडविच को टोस्टर में टोस्ट कर लेंगे। दोनों तरफ बटर लगाना जरूरी है, ऊपर से बटर लगा लेंगे और टोस्टर को बंद करके सेकेंगे। हमें चाहिए गोल्डन ब्राउन कलर, करीब 6-7 मिनट लगेंगे। बीच बीच में चेक करते रहेंगे और पलट कर सेकेंगे। हमारी सेवपुरी सैंडविच जले नहीं, इस बात का ध्यान रखें।
दोस्तों ये कलर परफेक्ट है, हमारी सैंडविच अच्छी तरह से सीख चुकी है, क्रिस्प हो चुकी है। देखिए बढ़िया, बहुत बढ़िया, हमारी सेव पूरी टोस्ट सैंडविच तैयार है, बिल्कुल तैयार है। चौथी बोर्ड पर रखकर काटेंगे, दो हिस्से करेंगे, आप चाहो तो चार हिस्से भी कर सकते हैं। ऊपर से लगाएंगे थोड़ा सा बटर, थोड़ा सा मक्खन और ये थोड़ी सी हरी चटनी और नायलॉन सेव से गार्निश करेंगे। आलू चिप्स या बनाना चिप्स से सजाएंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे। दोस्तों मुंबई का चटपटा स्ट्रीट फूड सेवपुरी टोस्ट सैंडविच ज़रूर ट्राई करें और आपके अनुभव हमारे साथ शेयर करें। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मेरी रेसिपी को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे ऐसे ही मजेदार रेसिपी के साथ। आपके सहयोग और सहकार की अपेक्षा के साथ तब तक मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।